हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और ये देखिए, सुबह सुबह हम लोगों का अपॉइंटमेंट था दोनों बच्चों का डेंटिस्ट के साथ, बच्चों की जो डेंटिस्ट होती है उनके साथ। और हम लोग इनको लेके आ गए हैं। और थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर बचपन से ही आप दांत का ध्यान रखें तो। हम लोगों का जो ध्यान नहीं दिया गया है और जो लापरवाहियाँ होती हैं उसी वजह से, अगर दांतों में प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत तो उसी के लिए है। तो बच्चों को हमेशा ही अगर शुरू से ही ध्यान देंगे तो दांतों की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती नहीं। सुबह शाम ब्रशिंग से ही नहीं होता, कभी कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम जैसे पता है, लगता है कुछ नहीं हुआ दांत में, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली दांत में कुछ तो कैविटीज़ हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वो पकड़ लेते हैं। तो यही हुआ दोनों बच्चों के दांत, अभी तक तो एकदम प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि आप आ गए हैं तो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम हो सकती है वो अच्छे से उन्होंने बताया और क्लीन कर दिया है। तो बस हम लोगों का डे शेयर करते हैं आपसे। ये देखो क्रिसमस वाला नटरेला, इसको ठंडी लग रही है। स्वेटर डिजाइन बना हुआ है ना, अभी टीथ दिखा के आए हैं, इनको कुछ नहीं लेना है अभी। हाँ, डॉक्टर ने सब मना किया, कह रहे मैं बोल रहा था नहीं लेना है, नहीं लेना है। कैसे कैसे है तू? फिर से बोलो एक बार, फिर से। ये देखो, और बर्तन के साइड में हम लोग आ गए हैं। ये स्टील का ये वाला डब्बा देखो, मतलब शुरू में पहले के जमाने में ऐसा होता था, स्टील का सब कुछ पहले वाला आ रहा है सिस्टम ये, लेकिन ये वाला इसका ये लीड जो है वो प्लास्टिक का है। हम लोग हैं स्टील के भंडार में, तो हमारा जो कटोरी है ना, कोरोना को भगाओ, कोरोना को भगाओ। चलो दूरी ले लो, कटोरा कटोरा ले लिया। सारे काम प्लांट से रिलेटेड हो रहे हैं, मतलब प्लांट की चीज़ें जहाँ दिख गई। अब पानी ग्लास से दिया जाता था, अब इससे दिया जाएगा। कैसे दोगे? ऊपर ही दोगे कि वो जो ये अच्छा है अदू? फोर पीस और जलेबी 4 पीस। भाई खाने वाले देखो ये भी खाते हैं, ये देखो पूरा मिला हुआ है। ये स्प्राउट जैसा डिनर ये होता है, डिनर आप ये कर सकते हो, मतलब अच्छे बच्चे हो तो आप ये सब भी खा सकते हो। और ये देखिए, मतलब ये नहीं कि बिगाड़ने के लिए, देखो कितना अच्छा अच्छा है, सारे फ्रूट सैलेड। और एक्चुअली में यही खाना चाहिए, फुल मील होता है लोगों का, बस आओ और ले लो। हाँ, ये देखो कितने सारे ऑप्शन है ना, चटपटा एकदम। देखो किनुआ है इसमें, देखो ये देखो राइस का एक, ये है सब बना बनाया रखा हुआ है, बस खा लो। और पूरा सैलेड है, स्प्राउट्स देखो एकदम मिक्स रखा हुआ है। हाँ, ये देखिए फ्रूट है। रेडी टू ईट पिज़्ज़ा, बस आओ ले लो और खा लो। और इस सेक्शन में आओ, तुम्हें भूख लगी हो, कुछ भी बनाना नहीं है, बस उठाओ और खाओ। ये देखो पपाया, हेल्दी खाओ, लेकिन हम लोग तो उधर जाते हैं लड्डू खाने। और इधर का ऑप्शन बहुत ही ज्यादा है, ये देखिए मोमोज भी है, अंश वेजिटेरियन मंचूरियन मोमोज, बटर चिकन मोमोज, एक मोमोज पर पीस 175 ना। चिकन मोमोज, चिकन लड्डू, लड्डू मिठाई, ये वाली मिठाई क्यों नहीं लिया? बर ये वाली काजू कतली, काजू कतली नहीं, ये नहीं ले, हम लोग आज ले भी लेंगे। शाम को आते तो खाना कम रहता है, अभी ज्यादा है।
कुछ लेना है इसमें से? ये देखते ना वो हो जाता है ना, इसी में लोग सब मिक्स कर देते हैं। ये वाले ओरिजिनल वन है बकलावा, बाकी देखिए चॉकलेट वाले भी हैं और पीनट्स वाले बहुत सारे हैं। बकलावा यहाँ का जो मेन मिठाई है। और ये देखिए कलरफुल बिस्किट ये सब भी। तो यहाँ पे देखिए अभी सामान निकालते हुए हम लोग, और ये देखिए आधा सामान गाड़ी में है, अभी हम लोग भाग के ऊपर चले जाते हैं। ये देखिए अद्दू की तुम्हारा क्या लाए हो तुम, ठीक है? कैमी, दिस इज कैमी द कैमल। तो अभी चलते हैं। ये देखिए मैंने गोभी काट के रखी हुई है, और ये मटर, और गोभी मटर आलू टमाटर। तो मैं बहुत ही अच्छी सब्जी आपको बनाने के दिखाने वाली हूँ इससे। और ये मटर ना वो वाली है जो ग्रीन पीस खरीद के जो आई थी, मतलब फ्रेश मटर, ये फ्रोजन वाली नहीं है। और ये वाली कढ़ाई बड़ी है, लेकिन जैसे अच्छे से ग्रेवी वाली कोई सब्जी बनाओ ना तो बहुत यूज़ होती है, तो मुझे यही अच्छी लगती। मेरे लोहे की कढ़ाई जो है ना स्पेशली उसमें बनानी चाहिए, बारिश का ये क्या बोलते हैं ये जो सब्जी है, लेकिन वो थोड़ी छोटी लगती है, तो मैं अभी इसी में बनाऊंगी। तो थोड़ा तेल डालेंगे अभी हम लोग। ये देखिए सरसों का मस्त तेल, सरसों के तेल में ही सब्जी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे थोड़ा जीरा डालेंगे, और तेल अच्छे से हो जाना चाहिए, उसके बाद हम लोग जीरा डालेंगे। और ये देखिए प्याज, थोड़ा प्याज हम लोग रख लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज ना अच्छे से ब्राउन हो जाए, उसके बाद आप डाल सकते हैं ये गोभी और मटर। गोभी और मटर को डाल दिया है, अभी आलू कट करके डालेंगे, और सारा आलू भी कट करके, और ये गोभी अच्छे से हम लोग भुनेंगे। इसमें बस अभी तक मैंने सरसों के तेल में जीरा और प्याज का तड़का देके तो यहाँ पे देखिए प्याज अदरक लहसुन मिर्ची, हमेशा ही हम लोग जब सब्जी बनाते हैं ना तो ये फ्रेश ही पीसते हैं, तो उस सब्जी का स्वाद ही अलग आता है। हम लोग मतलब अदरक और जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, और इसको बस पीस लेंगे, और गरम मसाला पाउडर और हल्दी सब वही डालेंगे। गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और ये कुकिंग हम लोग तीनों लोग साथ में कर रहे हैं, साथ में अद्दू अंश और मम्मा। और इसी के साथ हम लोग डाल देंगे ये मिर्ची और हम लोग वीडियो का एंड भी कर लेंगे ना, एंड भी करेंगे। हाँ। ये देखिए एकदम गांव में जैसे सब्जी बनाते हैं हम लोग ना, वैसा वाला बना रहे हैं, और इसको थोड़ी ग्रेवी भी लगती है, वैसे भी खा सकते हैं हम ग्रेवी की, गांव में तो ग्रेवी लगती है, वो बहुत ही मज़ेदार सब्जी होती है। वहाँ पे तो सील बट्टे के पीसते हैं ये मसाला, समझे हंस? और बहुत ही लाजवाब मस्त लगता है। तो ये देखो कैसा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है अंश? एकदम स्वाद आ रहा है, स्वाद आ रहा है, अभी से स्वाद आ रहा है, स्मेल आ रही बाबू, अच्छी स्मेल आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग आटा भी बना लिए हैं, और ये देखिए खुरापाती लड़का जो हमारे मेरे साथ किचन में बैटमैन बैटमैन आ गया है भाई मेरे साथ। ये क्या है, डॉक्टर ने दिया था? और ये वाली लाइट पर कल से आप किचन में रखी हुई है, क्योंकि ये वाली सब लाइटें जो है पता नहीं क्या हो गई है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो मैकेनिक आया नहीं अभी, तो कल पापा भेजे, मेल भेजे, अभी आया नहीं है, अपने से ट्रिप हो जाता है अगर कहीं प्रॉब्लम होती है ना। तो ये देखिए तो यहाँ पे देखिए मेरी जो सब्जी है उसका कलर और डिजाइन देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है बताइए। थोड़ा मैं इसको पका देती हूँ, चला देती हूँ, पका देती हूँ, चला देती हूँ, भूख लगी है तुम?
तुम्हारा हेयर स्टाइल तो ऐसा इस बार कटा है कि बस एक ही जगह ऐसे टिका रहता है भाई। सुनो ये देखिए हमारे डायनासोर को, तो ये किचन में इसी तरह रहते हैं और कभी कभी वहां भी बैठते हैं। ये बहुत डेंजर है हम लोगों को किचन में काम करते समय, इन लोगों को देखना भी पड़ता है और नहीं भगा दो ना अगर तो फिर रूठ ही जाते हैं हमारे अज्ञान महाराज। चलो बाय, अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरी रोटी भी बन रही है और सब्जी को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है। और ये देखिए हाल चाल है, ये देखिए। तो अभी मैं इसमें पानी डालूंगी, पानी हमेशा हम लोग ये वाला डालते हैं, कौन सा गर्म पानी, हमेशा गर्म पानी डालती हूँ मैं। और ग्रेवी बहुत पसंद है, इसमें कम ग्रेवी भी लगा सकते हैं आप, हम लोगों को पसंद है। इसमें बस धनिया पत्ती जाएगा और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए फाइनली खूब सारा धनिया, और ये धनिया मैं बहुत ज़्यादा पकाती भी हूँ तो धनिया का भी अलग सा ही फ्लेवर होता है ग्रेवी वाली सब्जी में, आप कभी बना के देखिए। तो ये अलग सा ही फ्लेवर आएगा अभी, ये देखिए ग्रेवी वाली गोभी की सब्जी, आलू मटर और खूब सारा धनिया। अरे इंडिया में तो मतलब जो चूल्हे पे बनता है जो मैं बता रही हूँ ना, तो उसपे ये धनिया पीस के भी डालते हैं, हरी धनिया और ये हरा मिर्च। तो ये देखिए हमारी लाजवाब गोभी की सब्जी अभी पकेगी, अभी टाइम लगेगा, 10 मिनट धीमी आंच पे ही पकती रहेगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये रेडी हो गई है हमारी सब्जी एकदम गर्मा गर्म, और इतना गर्म रहता है ना और तो ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम लोग थाली में ही निकाल के खा लेते हैं। और ऐसी स्टील की थालियाँ ही हमारे यहाँ यूज़ करते हैं ये देखिए, और ऐसे हम लोग खाते हैं। इसको राइस के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट है।